बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। महुराज रॉब दिख रहे हैं स्टोन मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 22 से 25 के पार्ट टू के छात्र छात्र है, या किसी 24 के पार्ट टू के प्रमोटेड छात्र छात्र हो सकते हैं, या जो छूट गए थे वो हो सकते हैं, या 20 से 23 के भी कुछ प्रमोटेड या फेल छात्र छात्राएं हो सकते हैं जो इस परीक्षा में जो है कि वह अपियर होने वाले हैं। देखिये परीक्षा के बारे में लगभग तो चीजें पता होती है, हम लोग मेच्योर हो गए हैं इस एज में आने के बाद, लगभग चीजें पता हो ही जाती है। लेकिन मैंने 10 ऐसे पॉइंट पार्ट टू एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर चूज करके रखा है, जो कि है तो काफी नॉर्मल चीज है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम के टेंशन में। तो आपको ये 10 चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी है। परीक्षा ऑनर्स पेपर 3 से लेकर के लास्ट जो आपका MIL होगा उस दिन तक आप लोग इसको नहीं भूलिएगा। इन चीजों का ख्याल रखते हुए आप लोग एग्जाम दीजिएगा, किसी भी प्रकार से मिस्टेक ना होगा और न ही रिजल्ट वगैरह में किसी भी प्रकार से गड़बड़ी होगी। मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लिखा है, मेरी फूफी की तबीयत खराब है, वीडियो रिकॉर्ड करने के जस्ट बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप लोग थोड़ा प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी जल्दबाजी में लिखी है। खैर छोड़िए, आप देख पा रहे हैं 10 चीजें, 10 चीज में से सबसे पहला जरूरी चीज ये ध्यान में रखना है, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉमेंट्स आए कि सर मेरा तो पार्ट टू में रोल नंबर चेंज है, तो आई एम स्टूडेंट, मैंने नोट में यहाँ पर लिख दिया है, इसमें जो है कि इसको शामिल ना करके ऊपर ही, ताकि तमाम स्टूडेंट जो है कि यहाँ पर ये इन चीजों का आप ख्याल रखिएगा। देखिए पार्ट वन में जो आपका यूनिवर्सिटी से रोल नंबर मिलता है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, पार्ट वन में, पार्ट टू में, पार्ट थ्री में नहीं बदलता है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, याद रखिएगा। मेरे पास कुछ एडमिट कार्ड आए थे कि सर पार्ट टू में रोल नंबर चेंज हो गया है, तो रोल नंबर चेंज वह है तो ये मिस्टेक है, जा करके प्रिंसिपल से बात करके करेक्शन करवा लीजिएगा। देखिए कभी कभी होता है कि कुछ टीचर लोग से हम कॉलेज में जा करके पूछते हैं, उनको खुद पता तो रहता नहीं है, और ऐसा भी ना एहसास हो कि स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं तो हमें पता नहीं है, फिर इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए कुछ ना कुछ बता ही देते हैं, तो नतीजा ये हो जाता है तमाम स्टूडेंट कि हमसे मिस्टेक हो जाती है, वो कुछ भी बता दिए, हम बात मान लिए और गए उसके हिसाब से काम किए, और फिर वो बात ठीक था नहीं लेकिन उन्होंने बता दिया है, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो किसी भी प्रकार के जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में मिसमैच आपको दिख रहा है, पार्ट वन वाले से एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट जाकर के इनसे बात करना है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से। देखिए कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसे नहीं बन जाता है, एक तो वो अनुभवी होते हैं, दूसरा जब किसी भी प्रकार से कोई नई चीज़ यूनिवर्सिटी में, नई सिस्टम आती है, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है कॉलेज में, तो बाज़ाब्ता उन सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए डायरेक्ट जो भारी भरकम चीजें होती है आप लोग जो है कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछ लिया कीजिए, ऐसे ही किसी से जाकर नहीं पूछ लिया कीजिए, बताने वाला सही बता रहा है इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पहला जो है कि परीक्षा के समय से 30 मिनट पहले आप किसी भी हालत में पहुंचिए, रोज आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है। पहला तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाम की समस्या हो जाती है पहली, दूसरी समस्या ये होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपने पार्ट वन में एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको रोज जा करके आपको खोजना पड़ता है कि रूम कहाँ है, और उसके लिए जो है कि नोटिस बोर्ड पर जा करके देखना पड़ता है नोटिस कि हमारा रोल नंबर नोटिस बोर्ड में जहाँ पर लगा हुआ है वह किस रूम में हमको जा करके बैठना है, इसलिए एग्जाम से, और देखिए एग्जाम से आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले पहुँच जाए वो चलेगा, लेकिन एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट बाद पहुँचे ये नहीं चलेगा। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग कि आधा घंटा हम पहले किसी भी हालत में पहुंच जाए, ताकि वहां पर अपना रूम वगैरह खोज ले, और रूम में तो बस सिर्फ रूम जो है कि रूम नंबर आपको खोजना है, उस रूम में कहीं जाकर के बैठ जाना है, सीट वगैरह डिसाइड नहीं होता है, पता ना कि रोल नंबर लगा दिए बेंच पर एकदम लाइन से कि जहां पर मेरा रोल नंबर है वहां पर बैठना है, ऐसा नहीं होता है, बिहार यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है, बस जो सेंटर के जो मैनेजमेंट सेंटर की होती है, बस आपको पता चल गया कि रूम नंबर 6 में हमको बैठना है, जाकर के 6 में जाकर कहीं बैठ जाइए, हालांकि वहां पर वो बैठाते कि भाई पहले आगे तो बैठो फिर तो पीछे भरेगा, कुछ छात्र छात्रा पहले जाके पीछे बैठ जाते, मतलब ख्याल रखिएगा। हर परीक्षा के दिन नोटिस बोर्ड को देखे, हर परीक्षा के दिन परीक्षा से पहले आपको जाना है और अपना रोल नंबर रूम नंबर देखना है। आमतौर पर होता क्या है कि ऑनर्स पेपर का जब एग्जाम होता है तो उस दिन पेपर 3 और पेपर 4 में होता क्या है कि रूम नंबर सेम रहता है, जब सब्सिडरी की परीक्षा शुरू होती है तो रूम नंबर बदल दिया जाता है, जब MIL की परीक्षा होती है तो रूम बदल दिया जाता है, क्योंकि ऑनर्स का एक अलग है कि हाँ सब ऑनर्स वाले अपने अपना जो ऑनर्स लिए हुए वो बैठेंगे, सब्सिडरी में होता है कि वो जो ऑनर्स लिए हुए हम जो ऑनर्स लिए हुए हैं
आर्ट्स का ही है तो हम दोनों सब्सिडी सेम ले सकते हैं। तो सब्सिडी में फिर थोड़ा बैठने का जो है ना सीटिंग वगैरह चेंज कर दिया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर दिन आप ये कंफर्म कर ले जा करके सेंटर पर, वहां पर रोज नोटिस हटाता है, रोज नोटिस हटाएगा और रोज आपको नोटिस में देखना है कि मेरा वाला रूम नंबर कौन है। पहला दिन देख लिए, दूसरा दिन गए फिर देखे कि वही तो नहीं है, यानी वही है कि चेंज कर दिया है। तो ये भी आप लोग जरूर देखिएगा, रोज देखिएगा। एडमिट कार्ड के साथ आप लोग आधार कार्ड जरूर लेकर के जाइएगा, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो ये जरूर लेकर जाइएगा, वो चेक करेगा, देखता है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। नोटिस बोर्ड पर अंकित रूम नंबर के हिसाब से बैठे, नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आपको जो है ना आपका इतना रूम नंबर है और बैठना है रूम नंबर 6 में, जाके बैठ गया 7 में, मालूम चला कि अटेंडेंस शीट आया, सबका बन गया 6 वाले का और आप भी थे 6 ही में लेकिन आप तो बैठे 7 में, तो इसका बन गया, आपका छूट गया, रिजल्ट हो गया पेंडिंग। इसलिए नोटिस बोर्ड पर आपके रोल नंबर के हिसाब से तमाम स्टूडेंट जो है कि जो भी रूम नंबर चूज करके दिया जाएगा उसी रूम में बैठिएगा। परीक्षा सेंटर पर जाने के बाद पहला काम यही रहेगा कि हम अपना रूम नंबर रूम खोजे कि मेरा जो है रोल नंबर वो जो दिया गया है वो किस रूम में हमको बैठने के लिए मेरा रोल नंबर सिलेक्टेड है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद से OMR शीट को सावधानी पूर्वक फिल करें, जो पहला पेज जो आमतौर पर रहती है बिहार यूनिवर्सिटी की, पहला पेज OMR शीट रहता है। OMR शीट किस तरीके से भरना है मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए OMR शीट किस तरीके से भरना है, वीडियो वाला सेक्शन में OMR शीट वाली वीडियो मिल जाएगी तमाम स्टूडेंट। OMR शीट गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए कौन, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। अच्छा, रोल नंबर में मैंने उसमें बताया था OMR शीट वाला में कि रोल नंबर वाला में जो है कि रोल नंबर ऊपर लिख के नीचे गोला भर दीजिएगा। एक छात्र ने हमें एडमिट कार्ड भेजा कि सर मेरे रोल नंबर में भी जो है ना ABCD लिखा हुआ है, तो रोल नंबर में ABCD नहीं लिखा है, नहीं लिखा रहता है, यदि लिखा हुआ है तो आपका रोल नंबर गलत है। रजिस्ट्रेशन नंबर में ही ABCD वाला सिस्टम है बिहार यूनिवर्सिटी में, रोल नंबर में नहीं है, रोल नंबर में सिर्फ नंबर ही होगा, चाहे वो जितने अंक रहे, 8 अंक रहे, 7 अंक रहे, 6 अंक रहे, वो तो मैंने काउंट नहीं किया, खैर जो भी हो, लेकिन सिर्फ नंबर ही रहता है, अल्फाबेट वाला रोल नंबर में नहीं आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर में वो आएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आता है तो मैंने बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर में ABCD वाला आएगा, तो बस सिर्फ ऊपर लिख दीजिएगा और उसके नीचे जो गोला करने वाला है उसको गोला नहीं कीजिएगा। लेकिन हाँ, रोल नंबर में जो है कि वो नहीं आता है कौन, अल्फाबेट नहीं आता है, ABCD वगैरह नहीं आता है। हर क्वेश्चन पर 30 मिनट से ज्यादा समय ना दे। यहाँ पर देखिए साइंस में 12 क्वेश्चन आपको मिलेगा, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन 12 में से आपको ऑनर्स में कितना, तो 6 का आंसर करना है। इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा रहता है तमाम स्टूडेंट, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पर इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन या आंसर एनी 6 क्वेश्चन, और कहेगा कि आंसर एनी 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए बी करके, या ऐसे कह दे कि 3 को ग्रुप दे दे कि आंसर एनी 6 क्वेश्चन, सेलेक्टिंग एट लीस्ट 2 फ्रॉम ग्रुप ए, 3 फ्रॉम ग्रुप बी और 1 फ्रॉम ग्रुप सी। तो जैसे कहे, जिस ग्रुप में से जितना कहे लिखने के लिए उतना ही लिखिएगा, उससे ज्यादा लिख दीजिएगा और सोचिए कि इस ग्रुप में का हमको कोई आंसर नहीं आता है, उस ग्रुप में का हमको 3 के बदले 4 का आंसर आता है, वो बोले बात 3 लिखिए लेकिन हम 4 लिख देते हैं, इसका बदले लिख देते हैं, तो वो नहीं मानेगा। तो जिस ग्रुप से जितना क्वेश्चन का है लिखने के लिए उतना ही लिखिएगा, ये इंस्ट्रक्शन बहुत याद रखिएगा, बहुत जो कि इसमें नंबर कट जाता है छात्र छात्राओं के। और मैं यहाँ पे जो ग्रुप ग्रुप कह रहा हूँ, आपको तो पता है ना क्वेश्चन पर लिखा रहता है ग्रुप ए बी सी करके, आपने तो देखा होगा पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में दिया है तो फिर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप का जो है कि तमाम स्टूडेंट याद रखिएगा। अच्छा, मैंने कहा कि 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, तो जहां पर 6 क्वेश्चन का आंसर करना है और 3 घंटा हमको समय है, तो आराम से जो है कि तमाम स्टूडेंट यहाँ पर 3 घंटा में 6 क्वेश्चन आंसर, आधे आधे घंटे में टाइम हो जाएगा। कहीं पर 5 क्वेश्चन का आंसर करना हो जैसे कि आर्ट्स में होता है, तो वहां पर 30 से 35 मिनट चले जाइएगा, कोई बात नहीं है। इंग्लिश ऑनर्स में होता क्या है कि 3-4 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, ये जो मैंने कहा है ये जनरल बात है, बाकी आप लोग बस इतना याद रखिएगा, इसको बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे, एक भी क्वेश्चन नहीं। और आपने VBI क्वेश्चन लिया है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी की है, आपने गेस पेपर पढ़ा है तो इतना याद रखिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम नहीं छापता है, ये तो आपको पता होगा, क्वेश्चन वही रहता है, बस कान आप इस तरीके से छुए तब चाहे इस तरीके से छुए तब, छूना आपको कान ही है, बस हमसे कहा जा रहा है कि आप घुमा करके छुओ। तो इतना याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय आपको अपना जो है कि अर्थ को समझना है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए हैं वही क्वेश्चन है, लेकिन भाषा बदल दिया है, निवास को जो है कि आवास कर दिया है, आवास को निवास कर दिया है, मतलब दोनों का सेम है। तो बस इतना याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो अर्थ उसका समझिएगा कि हम जो पढ़ के आए हैं और जो हमने याद किया है, जो क्वेश्चन हमने देखा था, ये वही क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्या इसका अर्थ वही निकल रहा है। बस अर्थ वही निकले तो चेप देंगे वही आंसर। अब एकदम से फोटोकॉपी एकदम एग्जैक्ट वही आंसर क्वेश्चन मिले वहां पर लिखा हुआ, यह जरूरी नहीं है। एग्जाम एग्जाम होता है, आपका माइंड सेट चेक किया जाता है, आपका माइंड चेक किया जाता है, इसलिए वही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी पूछ सकता है। तो बस इस बात का याद रखिएगा कि क्वेश्चन में थोड़ा जो है कि फेरबदल जानबूझ करके वो करती है कोई भी एग्जामिनर, कोई भी एग्जाम में ऐसा होता है। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा तमाम स्टूडेंट। और एक भी क्वेश्चन कब नहीं छूटेगा, जब हम टाइमिंग का ख्याल रखेंगे। मालूम चला कि एक क्वेश्चन में 45 मिनट लगा दिए हैं, दूसरे को क्वेश्चन में 45 मिनट लगा दिया, टाइम 3 घंटा है, सोचते रह गए तो फिर वैसे तो छूट जाएगा। तो टाइम का रिमाइंडर हमेशा आपको याद दिलाएगा कि हमको एक भी क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में छोड़ करके नहीं आना है। मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन जो पढ़ के गए वो नहीं आया तमाम स्टूडेंट, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन जो हम पढ़ के गए थे यदि उससे 20-30% मैच करता है तो वही आंसर लिख दीजिएगा, छोड़ के आने से तो बेहतर है ना कि लिख दें। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए 5 से 6 पेज ऑनर्स पेपर में आमतौर पर यूनिवर्सिटी में जब कॉपी चेक किया जाता है तो थोड़ा देखा जाता है कि हाँ चलो ठीक है 5-6 पेज तो लिखा है ना कम से कम, लेकिन सब सब्जेक्ट में नहीं हो पाता है, साइंस में नहीं हो पाती है, केमिस्ट्री में खास करके जो है कि इतना पेपर नहीं लिखा पाता है, इतना पेज हर क्वेश्चन के लिए। लेकिन जनरली मैंने आपको बताया है आपसे 5 से 6 पेज लिखा है तो जरूर लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ऑनर्स पेपर में हम इतना ले करके जाए ताकि जो है कि ठीक ठाक हमारा इंप्रेशन रहे। लेकिन हाँ शुरू शुरू वाला में मान लेते कि लास्ट में नहीं लिखा, लास्ट में दोस्तों क्या है कि समय रहता नहीं है, मुश्किल से अगर हर क्वेश्चन का आंसर लास्ट वाला अगर तीनों पेज में लिखा जाता है, चौथा क्वेश्चन का आंसर, पांचवा क्वेश्चन का आंसर, तो बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि शुरू से ही टाइमिंग का ख्याल रखते जाते हैं तो वो टाइमिंग का जो है कि मार्जिन कर लेते हैं और आराम से जो है कम से कम 5 पेज में हर एक क्वेश्चन का आंसर तो लिख ही देते हैं। तो ये जनरली है, सभी के लिए है, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि बस क्वेश्चन हमारा न छूटे एक भी और हम कोशिश करें कि इतना लिखे। यदि सब क्वेश्चन का आंसर इतना पेज में नहीं लिखा रहा है तो शुरुआत के कम से कम 2-3 क्वेश्चन का आंसर तो इतना पेज में लिख सकते हैं। और इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, अंग्रेजी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, जो भाषा वाला ऑनर्स होता है उसमें क्या होता है कि कुछ लाइन दे दिया जाता है लिटरेचर से उठा करके, बोला जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेनेशन वाला जो भी होगा क्वेश्चन उसको 2 पेज, एक पेज इधर वाला और एक साइड इधर वाला और एक साइड इधर वाला, 2 पेज हो गया ना, तो एक्सप्लेनेशन वाला कम से कम 2 पेज में तो जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 2.5 पेज ले जाइएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन में कम से कम अगर रहे पहला क्वेश्चन और इसमें सारा का सारा है कि एक्सप्लेन करना है तो नीचे 5-6 दे देता है, उसमें से कहता है कि 4 का आप एक्सप्लेन कीजिए, या 5 देगा तो कम से कम कहेगा कि 3 का एक्सप्लेन कीजिए। हम 3 का यदि एक्सप्लेन करेंगे आप 2-2 पेज में लिखेंगे तो 3-2 6 पेज तो ऐसे ही हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन वाले में तमाम स्टूडेंट इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा कि 2-2.5 पेज में हम लाइन को एक्सप्लेन कर दे। अब बातें कहां से लानी है, देखिए पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है इसलिए कहा जाता है, इसलिए आपने जो भी पढ़ा होगा यदि नहीं भी आता है तो जो पढ़ा होगा उसके बेस पर आप और चीजें बना करके आप बातें लिख सकते हैं, इसलिए पढ़ाई जरूरी होता है और पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। अच्छा ये सब हो जाए ये मान लीजिए कि ये जो है कि ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये सब किसके आगे फेल है, 10वां नंबर के आगे फेल है, अटेंडेंस शीट पर अटेंडेंस अवश्य बनाए। ये नहीं बनना, ये छूट गया तो रिजल्ट में नहीं आएगा,
तो इतना याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा है यहाँ पर कि आप लोग जो है कि अपना रूम नंबर जो है कि उसी में बैठिएगा जो आपका सिलेक्टेड रूम नंबर होगा तमाम स्टूडेंट। तो वहां पर जो अटेंडेंस शीट आएगी बनने के लिए, तो अटेंडेंस शीट पर होता क्या है कि कभी कभी जो आप ओएमआर शीट नंबर जो रहता है उस पर लिखा रहता है वो आपसे फिलअप करवाती है और आपसे जो है कि साइन करवाती है। तो ये दो चीज़ ज़रूर, और अटेंडेंस शीट पर भी आप अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लीजिएगा कि सही है कि नहीं सही है, पार्ट वन वाले से सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर पार्ट वन वाले से मैच करना चाहिए, पार्ट टू पर उतना ध्यान ना दे करके रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर हम ज़्यादा ध्यान ये देंगे कि जो पार्ट टू में हमको डेटा दिया गया है वो पार्ट वन से दो चीज़ रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो लगभग जो कॉमन चीज़ थी वो मैंने आपको जो है कि बता दिया है, जिसमें से बहुत ज़रूरी है अटेंडेंस बनाना। बाद में हो जाता है कि सर हम एग्ज़ाम तो दिए थे, एबसेंट हो गए थे, अब कह रहा है कि मेमो निकाल के लाओ। तो मेमो का मतलब यही होता है कि क्या आपने उस दिन उस परीक्षा केंद्र पर जाकर के एग्ज़ाम दिया था, आप उसका एक डेटाबेस लेकर के आइए। और मेमो अधिकतर ज़रूरत तभी पड़ती है रिजल्ट सुधरवाने के लिए जब आप अटेंडेंस शीट पर साइन नहीं किए रहते हैं, छूट गया रहता है। और आपको तो पता है ना बिहार यूनिवर्सिटी का रिजल्ट सिस्टम कितना अच्छा से सुधार होता है। तो फिर इसलिए कहते हैं कि इन सभी बातों का आप लोग ख्याल रखिएगा तमाम स्टूडेंट। लगभग ये चीज़ें ज़रूरी थी जो मैंने आपको बताई है, बाकी और भी कुछ बातें हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये वाला छूट गया बता दीजिए। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जो है कि अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, शांति माइंड से एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा और क्वेश्चन का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हर सब्जेक्ट में होता है कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किसी में कम पूछा जाता है, तो ऑन एन एवरेज जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो आप लोग क्वेश्चन का फीडबैक दीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, आप लोग हमेशा सफल होइएगा, मेहनत कीजिए, ज़रूर एक न एक दिन कामयाब होइएगा। ये हमारा ऊपर वाले से आप लोग के लिए प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने।